आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग संचालन परिषद की होगी 5वीं बैठक। बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री के अलावा कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री भी रहेंगे उपस्थित। नीति आयोग की बैठक में सूखे की स्थिति, कृषि क्षेत्र में समस्या और नक्सल प्रभावित जिलों में सुरक्षा चिंता समेत अन्य मुद्दों पर की जाएगी चर्चा। राष्ट्रपति भवन में होगी ये बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत बनाने को लेकर सभी राज्यों में चली मुहिम। आज बिहार सरकार भी करेगी स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी की बैठक। बैठक में आत्मनिर्भर भारत को लेकर की जाएगी चर्चा। बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कहा, आत्मनिर्भर बिहार के लिए बैंकों पर कसनी होगी नकेल। बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ऋण देने में करते हैं आनाकानी। SLBC की बैठक में बैंकों को दिया जाएगा टास्क। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ COVID-19 के खिलाफ अभियान के बीच आज से कर सकते हैं मंडलीय समीक्षा बैठकें। स्वास्थ्य सेवाएं, उद्योग, रोजगार की स्थिति और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे CM। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा भी करेंगे CM योगी। DGP मुख्यालय ने सभी जिलों से 1 जनवरी 2020 से 31 मई 2020 तक हुए अपराधों का मांगा ब्यौरा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कई पदों पर सीधी भर्ती के लिए आज से शुरू करेगा इंटरव्यू। आयोग के अधिकारियों ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते राज्य और केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए करवाया जाएगा इंटरव्यू। आयोग के उप सचिव सत्य प्रकाश को सौंपी गई गाइडलाइंस का पालन कराने की जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज से खुलेंगे धार्मिक स्थल। मंदिरों में फूल, चुनरी चढ़ाने, मूर्तियों को छूने पर रहेगी पाबंदी, जबकि मस्जिद में घर से ही करके आना होगा वुजू। धार्मिक स्थलों पर भीड़ होने पर भजन और गुरबानी गाने की नहीं होगी अनुमति। मध्य प्रदेश के सिवनी में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व आज से खुलेगा। टाइगर रिजर्व खुलने के बाद घूम सकेंगे पर्यटक। पर्यटक को घूमने के लिए बुक करनी होगी ऑनलाइन टिकट। पर्यटकों को सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखना होगा ध्यान। भारतीय अर्थव्यवस्था में होम फर्निशिंग, फ्लोर कवरिंग और टेक्सटाइल सेक्टर के महत्व को देखते हुए आज से EPCEH की ओर से वर्चुअल मोड पर IHGF टेक्सटाइल मेले का होगा आयोजन। आज से 18 जून तक चलेगा मेला। मेले में इन सभी श्रेणियों के उत्पादों को किया जाएगा प्रदर्शित। आयोजन में पूरे देश से 250 से ज्यादा सदस्य निर्यातक होम फर्निशिंग, फ्लोर कवरिंग और टेक्सटाइल से जुड़े अपने उत्पादों का करेंगे प्रदर्शन। आज से शुरू होगा टाटा मोटर्स इंजन असेंबली लाइन में उत्पादन। 5000 BS6 इंजन का ऑर्डर। चालू महीने में कंपनी में 2000 से ज्यादा वाहन बनाने का है शेड्यूल। मौजूदा हालात के बीच पूरी सतर्कता के साथ शुरू होगा उत्पादन का काम। बिहार के शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन का शेड्यूल किया जारी। नए शेड्यूल में उन उम्मीदवारों को भी शामिल किया गया जो 18 महीने का DEIED प्रोग्राम, TET परीक्षा या केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा कर चुके हैं पास। आज से 14 जुलाई तक है आवेदन की तारीख। 23 जुलाई को जारी की जाएगी पहली मेरिट लिस्ट। और देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून ने दी दस्तक। मानसून की दस्तक के साथ मौसम हुआ सुहाना। भारतीय मौसम विभाग का अनुमान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा में आज तेज बारिश की संभावना। कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में सक्रिय है मानसून।